हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसे आर्टिकल्स कहते हैं। आप जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में, तो पहले हम थोड़ा यहाँ आएंगे। और आपको पता है आर्टिकल्स के कितना इम्पोर्टेंट है, वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटर के एग्जाम में या हर जगह आर्टिकल का एक विशेष स्थान होता है। तो आज मैं आर्टिकल्स लेकर आया हूँ और इस पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल्स के बहुत सारे वीडियोस भरेंगे, तो आज पार्ट वन मानिए आर्टिकल्स का पार्ट वन आज हम लेकर आया हूँ और थोड़ा इसको समझाना चाह रहे हैं। आज का जो टॉपिक है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के मतलब के बारे में बात करता है तो आर्टिकल्स अनुच्छेद, लेख, समान और उपपद। ग्रामर की बात करते हैं जिसमें इसकी चर्चा होती है, तो वहां हम इसको उपपद भी बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझना ज्यादा आसान होता है, कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं लेकिन कहीं कहीं ज्यादा आसान होता है। तो हम इसको ऐसे ही समझेंगे, लेकिन हाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्टिकल को हम उपपद भी बोलते हैं। आर्टिकल को उपपद भी बोलते हैं, हिंदी में आर्टिकल को उपपद से भी जानते हैं और बहुत सारा नाम है जो अभी हम बताए हैं। चलिए हम देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की बात करते हैं तो तीन शब्द आपको पहले से जानते होंगे, तीन शब्द होते हैं ए एंड तथा द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है और इसीलिए क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहां करते हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन प्रोनाउन के पहले करते हैं, जिसमें अधिकांश नाउन ही आता है। तो आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। तो यहां देखेंगे आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं। इससे पहले मैं एक बार फिर आपको समझाना चाहूं कि आर्टिकल्स तीन शब्द होते हैं, ए एन तथा द, उसको हम आर्टिकल्स कहते हैं और आर्टिकल्स एडजेक्टिव की तरह आता है। तो हम बोलेंगे द थ्री वर्ड्स ए एंड एंड द आर यूज्ड एडजेक्टिवली एंड कॉल्ड आर्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा, द थ्री वर्ड्स ए एंड एंड द आर यूज्ड एडजेक्टिवली एंड कॉल्ड आर्टिकल्स। तो चलिए आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं या दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है इनडेफिनिट एंड डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट। ध्यान देंगे आर्टिकल के दो भाग बांटे हैं, एक इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इसके अंतर्गत ए एंड आते हैं और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, इसके अंतर्गत द आता है। ध्यान देंगे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनिश्चित, जिसको ऐसे नाउन जिसको हम नहीं जानते, जैसे हम बोलते हैं मेरे पास कलम है, तो हम ये कलम की विशेष बातें नहीं पता है या आपको भी नहीं पता है कि लाल है पुरानी है नहीं है, तो वहां ये ऐसा प्रयोग हम करते हैं। और जब डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, जिसको हम जानते हैं, जैसे कलम पुरानी है तो वहां हम लेते हैं दोट, तो वहां द। इसलिए कहा देख लीजिएगा आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं, इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। इनडेफिनिट का अंतर्गत ए एंड आता है और डेफिनिट का अंतर्गत द आता है। तो इनडेफिनिट का मतलब ही हो गया अनिश्चित, जो निश्चित नहीं हो, जिसको हम नहीं जानते, जिसके बारे में, जिस नाम के बारे में हम नहीं जानते, तो उसके पहले हम ए एंड का प्रयोग करते हैं और जिसको हम जानते हैं जो हमारे लिए निश्चित है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आता है ए एंड की उत्पत्ति कहां से हुई या ए एन किसका संक्षिप्त रूप होता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए एन आया कहां से है, इसको हम कई तरीके से बयान करते हैं। तो ए और एन की उत्पत्ति की बात करते हैं तो वन से, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं वन का संक्षिप्त रूप ए एन होता है। या अंग्रेजी में बोलने के लिए बोलते हैं ए एंड एन आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वन, ए एंड एन आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वन। ध्यान देंगे ए एन किसका संक्षिप्त रूप है, वन का। यहाँ ए एन किसका संक्षिप्त रूप है, वन का। और यहाँ ए एन की उत्पत्ति मैंने बताने का अर्थ यह है, कहने का अर्थ यह है कि ए एन की उत्पत्ति भी जो होता है वो वन से ही होता है। ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी यहाँ एक है और वन का मतलब भी एक होता है। तो एक बात यहाँ क्लियर हो गया कि ए एन एन आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वन। आगे हम चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आते हैं, आपको पता है इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग निश्चित
वस्तु या व्यक्तियों के कारण किया जाता है और इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। चलिए हम इसी बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल किसका संक्षिप्त रूप होता है या डेफिनेट आर्टिकल कहां से आता है, तो हम बात करते हैं, आप देखेंगे ध्यान दीजिएगा। डेफिनेट यानी डेफिनेट आर्टिकल यानी द, दिस, दैट, दैज, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं the is the short form of these, that, these, those. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं the is the short form of these, that, these, those. हम बोल सकते हैं कि these, that, these, those का संक्षिप्त रूप the होता है, these, that, these, those का संक्षिप्त रूप the होता है। तो आपने देखा इसको, हम फिर से बताना चाहते हैं, फिर से इसको ध्यान दीजिएगा, आज हम इसको फिर से इसको रीड करना चाहेंगे, आपको फिर से समझाना चाहेंगे। आर्टिकल्स की बात करते हैं, हम आर्टिकल्स की बात करते हैं जिसको हम वही बताए पद भी बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहां करते हैं, तो आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल्स तीन शब्द होते हैं, याद रखिएगा, आर्टिकल्स एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, आपको पता होगा कि एडजेक्टिव का प्रयोग ही हम नाउन प्रोनाउन के पहले करते हैं, वैसा ही आर्टिकल, तो जब नाउन प्रोनाउन के पहले आता है एडजेक्टिव का काम, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं तीन शब्द ए एंड तथा द का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है और आर्टिकल्स कहलाता है, और आर्टिकल्स कहलाता है। अंग्रेजी में बोलने के लिए हम बोल सकते हैं द थ्री वर्ड्स ए एंड द आर यूज्ड एडजेक्टिवली एंड कॉल्ड आर्टिकल्स। तो यहां समझिए आर्टिकल्स का प्रयोग हम नाम के नाम पहले करते हैं, जैसे मैं आपको नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेकर बताऊं, जैसे हम यहां लिखते हैं आई है पेन, क्या नाम है, इसी पहले ए आया, ठीक है, आर्टिकल्स। ही इज एन ऑफिस, हम लिखते हैं ही इज एन ऑफिसर, एन क्या है, आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स का प्रयोग किसके पहले किया है, नाम, नाम के पहले आया, नाम के पहले आया। हम आई की बात करते हैं, द पेन इज ओल्ड, तो पेन क्या है, इसमें नाउन है, नाउन के पहले क्या है, द क्या है, आर्टिकल है, वन क्या है, आर्टिकल है, ए क्या है, आर्टिकल है, और इसी पर हम बता रहे कि ए एंड द आर यूज्ड एडजेक्टिवली, एडजेक्टिवली मतलब एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव का मतलब नाउन प्रोनाउन के पहले आना, नाउन प्रोनाउन के पहले आना, नाउन के पहले आया है, एंड कॉल आर्टिकल्स। ऐसा नॉर्मली ढंग से इसको डेट करने के लिए हम ऐसे भी बोल देते हैं ए एंड तथा द आर्टिकल्स, ऐसे भी बोलते हैं। तो यहाँ देख लेंगे तो एक आर्टिकल के दो भागों में, आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं या दो भागों में बांटा जाता है, जो एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट के अंतर्गत ए एन आते हैं क्योंकि अनिश्चित होता है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए ए एन का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट कहा जाता है, डेफिनेट का मतलब भी होता है, और एक होता है डेफिनेट जिसको हम जानते हैं, तो इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, द। ए एन की बात करें तो ए या एन ए का बोध कराता है, ए, तो ए एन का प्रयोग हम करते हैं, डेफिनेट नहीं समझ रहे हैं, नाम प्रणाम ये सब नाम प्रणाम के पहले ही आता है, चाहे दो हो चाहे ए हो या एन, लेकिन ए एन मतलब इनडेफिनिट होता है। एक बहुत बड़ी बात कि ए की उत्पत्ति या ए एन किसका संक्षिप्त रूप होता है, तो ए एन वन का संक्षिप्त रूप होता है, इसको बोल सकते हैं, कोई पूछ ले या कोई ऐसे होता है जानकारी के लिए ए एन का कहां से आया, ए एन किसका संक्षिप्त रूप है, तो वन का, वन का। ठीक ऐसे ही नाम द डेफिनेट आर्टिकल द जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का उसे उसके पहले हम जो आर्टिकल लगाते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल होता है जो द होता है। तो द किसका संक्षिप्त रूप होता है, दिस, दैट, दीज, दोज। तो हम समझ गए कि द, दिस, दैट, दीज, दोज का संक्षिप्त रूप होता है। तो आज हम इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसका अगला भाग लेकर आएंगे, जब तक के लिए।